अगर हम किसी भी एन साइज़ के ऑल पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉ करें और फिर उन सबका मीन निकालें और वो मीन पॉपुलेशन मीन से डिफरेंट होगा लेकिन अगर हम उन सारे मीन्स का अगेन मीन कैलकुलेट करें तो फिर वो पॉपुलेशन मीन के एग्जैक्टली exactly इक्वल होगा यू रिमेंबर इन लास्ट एग्जाम्पल वी डिड अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ थ्री और हमने उस तीन की पॉपुलेशन में से टू टू के सैंपल्स निकाले और फिर उन टू टू के सैंपल में हर सैंपल का मीन निकाला और फिर हमने सारे मीन्स को इकट्ठा करके उन सारे मीन्स का एक मीन निकाला एंड वी फाउंड आउट कि जो मीन ऑफ ऑल सैम्पल मीन्स है मीन ऑफ ऑल सैम्पल मीन्स वुड बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन इमेजन कि अगर फर्स्ट करें हमारे पास अगर हमने लास्ट uh, टाइम किया था कि हमने थ्री uh, की पॉपुलेशन में से टू टू साइज के सैम्पल निकाले थे विद रिप्लेसमेंट तो हमारे ऑलमोस्ट नाइन सैम्पल्स बने थे जस्ट इमेजन कि अगर हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशन 25 की है और अगर हमने उसमें से फाइव फाइव के सैम्पल्स निकालने हैं तो यू कैन इमेजन कि अगर हम उसको विदाउट uh, रिप्लेसमेंट भी करें तो स्टिल हमारे कम्बिनेशन के फॉर्मूला से हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैंपल बनेंगे आई आई विल रिवाइज के हम कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं अगर हम एक पॉपुलेशन में से एक एलिमेंट या सैम्पल निकालते हैं और उसको हम अगर वापस डाल के फिर दोबारा अगला निकालते हैं तो वो हमारी कहलाती है कि विद रिप्लेसमेंट लेकिन अगर हम आ, किसी भी पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं और उसको वापस नहीं डालते दैट इज़ कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट फर्स्ट करें कि अगर हमारे पास ट्वेंटी uh, फाइव um, की पॉपुलेशन है और हमने फाइव फाइव के सैंपल निकालने हैं तो हमारा फॉर्मूला फॉर um, इसका होगा कि एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल और अगर हम इसको एन हमारा ट्वेंटी फाइव है और हमारा जो आर है वो फ़ाइव है इफ़ यू पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला और अगर हम इसको सॉल्व करें तो यू रिमेंबर कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाते हैं मसला अगर ट्वेंटी फ़ाइव फैक्टोरियल है तो हम करेंगे ट्वेंटी फ़ाइव मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फ़ोर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी वन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी एन माइनस आर यानी ट्वेंटी फाइव में से हम फाइव माइनस करेंगे तो इट विल बी ट्वेंटी फैक्टोरियल तो ट्वेंटी फैक्टोरियल और ट्वेंटी फैक्टोरियल क्रॉस हो जाएगा और आर फैक्टोरियल को आपने फिर दोबारा खोलना है फाइव मल्टीप्लाइड फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाईड बाई टू और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉसिबली मेरे ख्याल से इसके आपके फिफ्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स और पॉसिबल बनेंगे सो फिफ्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स सैम्पल्स के आप फाइव फाइव के निकाल रहे हैं आप हर सैम्पल की मीन निकालेंगे और फिर उन सारी फ़िफ्टी थ्री थाउजेंड मीन्स को इकट्ठा जब हम कंबाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि उन सारे मीन्स का जो टोटल मीन होगा वो दैट विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन सो दिस इज़ अ वेरी गोल्डन रूल इन स्टेटिस्टिक्स क्यों क्योंकि वी नो कि अगर हमारे पास ऑल पॉसिबल सैम्पल्स निकालें और हम उनको प्लॉट करें तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होगी वो नॉर्मल होगी एंड मीन ऑफ ऑल सैम्पल मीन्स वुड बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन सो दिस इज़ एक्चुअली द सेंट्रल लिमिट थेरम सेंट्रल लिमिट थेरम क्या कहता है कि अगर आप किसी भी पॉपुलेशन में से अगर आप एक सैम्पल निकालें उसका मीन निकालें और उसको प्लॉट करें डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप अगेन एक सैम्पल ड्रॉ करें उसी पॉपुलेशन से उसका मीन निकालें और उसको प्लॉट करें तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स होगा दैट विल अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी जो शेप होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बनेगी और जब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बनेगी तो वो मीन ऑफ ऑल सैम्पल मीन्स वुड बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन फिर आपको 53,000, 54,000 सैंपल लेके हर एक की मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है और एक्चुअली जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं होता यूजुअली हम पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकालते हैं और उसी सैंपल से हमने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना होता है लेकिन वंस वी नो द रूल वंस वी नो द लॉ द सेंट्रल इवेंट थेरम तो हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी क्यों क्योंकि अगर आगे चल के मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगी जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ को जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाते हैं और उसका मीन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डीशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम उसका जी फाइंड आउट कर सकते हैं Area find out and we remember that area is equal to the probability of any event occurring in that particular um, region. So, what is central limit theorem? Just I will read it for any population with the mu and standard deviation. The distribution of sample means for sample size n will have a mean of population mean and the standard deviation of that sampling distribution will be equal to. स्टैंडर्डिएशन आंड सो मीन ऑफ ऑल सैम्पल मीन्स विल भी इक्वल टू मी एंड स्टैंडर्डिएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स विल बी इक्वल टू सिगमा ओवर एन अंडरवूड यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्डिविएशन और एन अंडरवूड सो ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमने मीन और स्टैंडर्डिये फाइंड आउट किया था इसी तरह हमारे पास एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें बजाय एक्स वैल्यूज़ के हमारे पास सैम्पल की स्टेटिस्टिक यानी मीन्स या स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन होते हैं और उससे फिर हम उनका मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन निकाल देते हैं सो सेंट्रल लिमिट थेरियम के मुताबिक मीन ऑफ ऑल सैम्पल मीन्स विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन एंड द स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन वुड बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट सेंट्रल लिमिट थेरियम डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स बाई आइडेंटिफाइंग द थ्री बेसिक करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब एनी डिस्ट्रीब्यूशन यानी शेप ऑफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबलिटी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स टेंस टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन फैक्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट परफेक्टली नॉर्मल जैसे जैसे हमारा एन साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है यानी अगर आपने टू का सैंपल साइज़ निकाला है या फिर फाइव का निकाला है लेकिन हम एन इंक्रीज़ करते जाते हैं इफ़ एन इज ग्रेटर देन थर्टी तो हमारा Uh, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसकी शेप परफेक्टली नॉर्मल बनेगी द पॉपुलेशन फ्राम विच दैम्पल्स आर सिलेक्टेड इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नंबर ऑफ स्कोर्स इन ईच सैम्पल सो कैसे हम उसकी शेप डिटामिन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की दो कंडीशन हैं पहली कंडीशन ये है कि जिस पॉपुलेशन से आपने सैम्पल निकाला है वो ऑलरेडी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारी जब मीन्स उसमें से हम डिफरेंट सैम्पल निकाल के उनकी मीन्स निकालेंगे और उनको प्लॉट करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगा लेकिन अगर आप एन साइज इंक्रीज कर दें यानी हर सैंपल का साइज़ बड़ा करके सैंपल्स निकालते जाएं, हर सैंपल की मीन निकालते जाएं और उन मीन्स को डिस्ट्रीब्यूशन पे प्लॉट करते जाएं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली नॉर्मल होगा क्यों क्योंकि उसका एन साइज़ बड़ा है और हमने लास्ट टाइम दो एग्जांपल्स की थी इफ़ यू रिमेंबर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एक हमने टू टू के सैंपल्स निकाले थे और फिर हमने शायद फोर uh, की पॉपुलेशन में से आई थिंक टू टू के ही निकाले थे लेकिन जब हम सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है जब हम मीन्स को प्लॉट करते हैं तो वो परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन भी उसको कहते हैं एंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन इज इक्वल टू द पापुलेशन मीन अगर हमारा एन साइज़ बड़ा है यानी थर्टी से बड़ा है तो फिर मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन हमने पहले भी बात की है और ये आपने याद रखना है कि जब भी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं ऑफ़ मीन्स या फिर ऑफ प्रपोर्शन या फिर ऑफ स्टैंडर्डिविएशन हम हमेशा उसमें याद रखेंगे कि हमारी जो ऑल पॉसिबल सैम्पल्स की मीन्स होगी वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगी एन दिस इज़ देंट्रल लिमिट थेरम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एम और जो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वो हमारी इक्वल होगी डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एन अंडर उड जैसे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स का बनाते हैं इसी तरह से हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन का भी बनाते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन का भी बनाते हैं और उसमें भी हमारा सेंट्रल लिमिट थे यही कहता है कि फर्स्ट करें अगर हमने प्रोपोर्शन तो का साम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है यानी हमने इंस्टेड ऑफ मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट किए विच आई विल टॉक शॉर्टली अबाउट तो फिर हम उसको uh, ऐसे करेंगे कि हमारा मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड द स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन विल बी इक्वल टू ये हम इसमें फॉर्मूला लगा के जो कि है P1 p वन माइनस पी और उसको आप स्क्वायर uh, कर लेंगे Divided by n. We will do it shortly, the sampling distribution of proportion.